हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ अरिंदम गोस्वामी और मैं आज आप लोगों को इलास्टिसिटी फिजिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था, जो बेसिक टॉपिक था थोड़ा बहुत बचा था, ठीक है, ग्रेविटेशन बोलो या तो आपके पास जो कुछ सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलो, ब्लैक होल, हम लोग सारी ये टॉपिक को कंप्लीट कर लिया, ठीक है, डिस्कस कर लिया। और आज हम लोग नया चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये इलास्टिसिटी ऐसे एक चैप्टर है, इसमें फील्ड भी जैसे आएगा, ऐसे अगर आप लोग हायर स्टडीज में कभी भी जाओगे तो फिजिक्स आप लोगों को कोई भी पार्ट रहेगा, या तो फिजिक्स नहीं रहेगा तो क्या है, आपके पास अगर कोई भी जैसे इंजीनियरिंग फील्ड में जाओगे तब भी आपको क्या है, इलास्टिसिटी आपको काम में आएगा, ठीक है। तो इलास्टिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलो हम लोग देखते हैं आप इलास्टिसिटी को कैसे, और इलास्टिसिटी से आप लोगों को जेई मेंस में हमेशा क्वेश्चन आते हैं, इलास्टिसिटी बोलो, हाइड्रोस्टैटिक बोलो, इसमें जेई मेंस बोलो, क्लास 11th में बोलो, ठीक है, सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं। और जिन लोगों ने यूपीएससी एसएससी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, उन लोगों को बेसिक जो हम लोग सीखेंगे, बेसिक भी सीखेंगे, बेसिक भी से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ये इलास्टिसिटी क्या है, ये इलास्टिसिटी क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन मार्क ये है कि इलास्टिसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, या तो कैसे हम लोग डेफिनेशन बोलेंगे। देखो इलास्टिसिटी क्या है, मटेरियल है, ठीक है। तो मटेरियल का ना प्रॉपर्टी होता है, बहुत सारे प्रॉपर्टी है। तो इलास्टिसिटी क्या होता है, कोई भी मटेरियल का एक प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी कैसे है, ये काम कैसे करता है ना, इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द बॉडी एक्वायर्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। ये तो है डेफिनेशन, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब क्या है समझते हैं। जैसे सपोज मान के चलो ये कोई स्प्रिंग है, ठीक है, ये कोई आपका स्प्रिंग है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, देखना, जैसे हम लोग स्प्रिंग को थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना, किसी साइड में फोर्स लगाते हैं, तो फिर क्या होगा, ये जो स्प्रिंग है क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लेंथ में ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा लेंथ। पहले सपोज मान के चलो कि एल था, ठीक है, अभी क्या हो गया, डेल एल ज्यादा हो गया, तो इसका अभी जो लेंथ हो गया एल प्लस डेल एल, ठीक है, ये नया लेंथ हो गया। तो ये क्या होता है ना, हम लोग कोई भी अगर जब बॉडी में मटेरियल में कुछ मटेरियल ऐसा रहता है जिसमें अगर अगर हम लोग फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, उस टाइम उस फोर्स लगाने की वजह से उसका थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा उसमें जो लेंथ है उस लेंथ में चेंज आएगा। लेकिन कुछ टाइम बाद हम लोग जब भी फोर्स को छोड़ेंगे, जैसे फोर्स को रिमूव करेंगे, रिमूव करने के बाद वो फिर से क्या करेगा, उसका जो प्रीवियस जो स्ट्रक्चर है, फिर प्रीवियस जो फिगर है, जो उनके खुद का शेप या साइज है, वो प्रीवियस साइज या तो प्रीवियस शेप में क्या होगा, वापस आएगा, ठीक है। और ये वापस क्यों आ रहा है, ये वापस जिस प्रॉपर्टी के लिए आ रहे हैं उस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिसिटी, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब है कि ये एक प्रॉपर्टी है मटेरियल का, जिस प्रॉपर्टी के द्वारा कोई भी बॉडी जो प्रीवियस साइज या तो शेप में वापस आता है जब हम लोग उसमें रिमूवल, जब उसमें हम लोग रिमूव फोर्स, जब हम लोग फोर्स को रिमूव करते हैं तब वो प्रीवियस जो साइज है, प्रीवियस जो शेप है, जो फर्स्ट टाइम उसका शेप ओरिजिनल शेप या तो ओरिजिनल साइज है, उसमें वो वापस आते हैं, जिस प्रॉपर्टी के द्वारा, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम लोग इलास्टिसिटी, ठीक है, समझ में आया। देखना घर में सबके पास रबर है, गडर, ठीक है, रबर, तो रबर बैंड को क्या करना, थोड़ा खींचना। जैसे आपने रबर को खींचोगे, जैसे सपोज मान के चलो ये कोई रबर है एल साइज का, ठीक है, अब फिर क्या कर लो, इस जैसे आपने खींचने लगा, ये तो एल था, जैसे खींचने लगा ना, ये हो जाएगा आपके पास सिंपल थोड़ा साइज में लेंदी हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। लेकिन जैसे आपने फोर्स को छोड़ दोगे, फोर्स को रिमूव करोगे, तो क्या वो रबर क्या ऐसे ही पोजिशन में रह जाता है, लेंथ में एल प्लस डेल एल पोजिशन में रहता है, कभी नहीं रहता है। जब भी अपने फिर फोर्स को रिमूव करोगे तो वो क्या करते हैं, प्रीवियस जो उनके शेप था, ओरिजिनल शेप या तो ओरिजिनल उसमें साइज में वापस आते हैं। ये वापस क्यों आ रहा है, क्योंकि उस मटेरियल में इलास्टिसिटी प्रेजेंट है, और जिनमें इलास्टिसिटी ज्यादा होगा उसमें सिंपली बात है कि वो वापस आएगा, जिनमें इलास्टिसिटी नहीं रहेगा वो इलास्टिसिटी जब भी फोर्स लगाओगे वो बॉडी क्या होगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा। डिफॉर्मेशन हो जाएगा मतलब क्या है, उस बॉडी का चेंज हो जाएगा, जो प्रीवियस उसका ओरिजिनल शेप था, ओरिजिनल शेप से उनका चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारा इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी, इलास्टिसिटी कोई भी मेटेरियल का इलास्टिसिटी, ठीक है, समझ गया। अब हम लोग समझते हैं कि एक बात बताओ,
चलो पहले ना दो चार पॉइंट या तो दो चार हम लोगों को सबसे पहले वर्ड को हम लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनमें हम लोग नेक्स्ट टाइम में जब भी हम लोग आगे की तरफ इलास्टिसिटी जाएंगे या तो हाइड्रोस्टेटिक जब भी पढ़ेंगे ये सारे कुछ हम लोगों को कब में आएगा तो कुछ जान लेते हैं। जैसे क्या है परफेक्टली रिजिड बॉडी, ठीक है। परफेक्टली रिजिड बॉडी क्या है, देखो परफेक्टली रिजिड बॉडी क्या है ना, इसको हम लोग जब भी सबसे पहले जानते हैं कि रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी का मतलब क्या है, जैसे सपोज मान के चलो कि हम लोग किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी है, जब भी उसी बॉडी के ऊपर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी का क्या होता है, उस बॉडी का थोड़ा डिस्प्लेसमेंट होता है, उस बॉडी का थोड़ा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। लेकिन ऐसा भी कुछ बॉडी रहता है, ऐसा भी कुछ बॉडी रहता है जिन्होंने क्या होता है फिक्स रहते हैं, फिक्स्ड, ये क्या होगा फिक्स्ड रहेगा, फिर आपने जितना ही फोर्स अप्लाई करो ना क्यों, ये बॉडी का नो डिस्प्लेसमेंट, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो सिंपल बात हम लोग कह सकते हैं कि रिजिड बॉडी का मतलब है ये फिक्स्ड, आप लोग फोर्स अप्लाई करने के बाद भी अगर उस बॉडी का कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो सिंपल हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, ये आपका रिजिड बॉडी है। अब परफेक्टली रिजिड बॉडी मतलब क्या है, परफेक्टली रिजिड बॉडी मतलब है इतना ही फिक्स है कि आप जितना ही फोर्स अप्लाई कर लो या तो फोर्स किसी भी हालत से फोर्स अप्लाई करने के बाद उसका जीरो, मतलब थोड़ा सा भी उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, मतलब 0.00001 सेंटीमीटर मिलीमीटर भी उसका चेंज नहीं होगा, मतलब प्रीवियस जो भी पॉइंट था सेम टू सेम रहेगा। हम लोग चाहे कितना भी फिक्स हो थोड़ा फोर्स लगाने के बाद भी उसका मूवमेंट होता है अंदर में, लेकिन इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, इसका बॉडी में इनर में इंटर में मतलब बॉडी के अंदर में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, तो इसको सिंपली कहते हैं परफेक्टली रिजिड बॉडी। अब बात आते हैं कि परफेक्टली रिजिड बॉडी का एग्जांपल क्या है, इस दुनिया में हम लोग जो भी कुछ देखते हैं सिंपल बात यह है कि परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं है, सिंपल क्या है परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं है, ठीक है। समझ लो कि दुनिया में परफेक्टली रिजिड बॉडी कुछ भी नहीं है, लेकिन तब भी हम लोग अगर एग्जांपल की तरफ मानते हैं कि परफेक्टली रिजिड बॉडी क्या है, तो हम लोग सिंपल कह सकते हैं कि हमारा जो ग्लास है, ग्लास है इसको हम लोग कह सकते हैं ये पूरे के पूरे तो परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं है, लेकिन एज ए हम लोग ट्रीट करते हैं ग्लास को हम लोग मान सकते हैं कि ये अप्रोक्स क्या है परफेक्टली रिजिड बॉडी है, ठीक है। तो परफेक्टली रिजिड बॉडी का अगर एग्जांपल आए या तो क्वेश्चंस में आए आपके पास ग्लास ऑप्शन है तो ग्लास करो, नहीं तो नॉन ऑफ दिस, सिंपल बात है, ठीक है, समझ गया। चलो इसको कहते हैं परफेक्टली रिजिड बॉडी। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपके पास परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, देखो इलास्टिक बॉडी का तो मतलब अभी पता चला कि इलास्टिक बॉडी का मतलब है जिसमें इलास्टिसिटी है, मतलब क्या है कोई भी फोर्स आपने अप्लाई कर रहे हो उस टाइम उस बॉडी का क्या हो रहा है डिफॉर्मेशन हो रहा है, लेंथ का चेंज हो रहा है, लेकिन जैसे आपने उस बॉडी का छोड़ रहे हो फिर वो वापस पोजिशन में आ रहा है जो ओरिजिनल शेप है उसका साइज है उसमें वो वापस आ रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी उस प्रॉपर्टी को। लेकिन बात है कि परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या है, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है मतलब क्या है, जैसे हम लोग किसी भी बॉडी को फोर्स से खींचते हैं दोनों साइड फोर्स लगाया, अब फोर्स लगाने के बाद क्या होगा ये थोड़ा इसका चेंज हो गया, ये थोड़ा इसका चेंज हो गया, ठीक है, लेंथ में बढ़ गया, लेकिन फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं फोर्स जैसे रिमूव कर रहे हैं ये वापस पोजीशन में आते हैं। लेकिन देखो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का मतलब ये होता है कि बिल्कुल सेम टू सेम पोजीशन में, बिल्कुल एकदम सेम ओरिजिनल उसके शेप और साइज में एकदम जो प्रीवियस था सेम आना चाहिए। लेकिन बात यह है कि इन रियल लाइफ में या तो ये रियल दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है, ऐसा कोई भी बॉडी नहीं है जो हम लोगों का परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है, कुछ भी नहीं है जो हम लोग कह सकते हैं ये परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है। हम लोग जब भी किसी बॉडी के ऊपर थोड़ा फोर्स अप्लाई करते हैं हम लोग देख तो सकते हैं हाँ उसके प्रीवियस पोजीशन में आ चुके हैं, लेकिन एक्चुअली में उसका उस टाइम में भी थोड़ा डिफॉर्मेशन हो जाता है, एक्चुअल प्रीवियस सेम में वो आ नहीं पाते, तो इसलिए सिंपल हम लोग कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है नहीं, ठीक है। आप देखते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, आप देखते हैं कि ये पार्टली
आप देखते हैं कि परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडी, परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडी, ठीक है। परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडी को हम लोग पहले देखते हैं कि परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडी का मतलब भी समझ में आ रहा है जी। सिंपल, सबसे पहले ना इनइलास्टिक बॉडी को समझते हैं। इनइलास्टिक बॉडी मतलब है ऐसे भी कोई मटेरियल रहते हैं जिनमें आप फोर्स जैसे अप्लाई करोगे ना, फोर्स अप्लाई करोगे, ये बॉडी सपोज एल था, अब जैसे फोर्स अप्लाई कर दिया फिर एल प्लस डेल एल हो गया, लेकिन फिर आपने फोर्स रिमूव करोगे तो ये वापस पोजिशन में आ नहीं पाएंगे क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी प्रेजेंट नहीं है। और इस बॉडी को जिसमें क्या है ना वो वापस में आ नहीं पाते, इनको कहते हैं हम लोग प्लास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी, या तो कह सकते हैं इनइलास्टिक बॉडी। और प्लास्टिक को देखना, कोई भी प्लास्टिक है उसको खींचना, ठीक है, थोड़ा बहुत खींच लेना, खींचने के बाद देखना वो क्या होगा, उसी पोजीशन में रह जाएगा, वो प्रीवियस या तो ओरिजिनल सेम में वापस नहीं आ पाएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सिंपल बात है कि इन इलास्टिक बॉडी में उसमें इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी नहीं रहता है, उसमें प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी रहता है, जिसमें क्या होता है आप कोई भी फोर्स लगाया और फोर्स लगने के टाइम ही वो क्या होगा, परमानेंटली डिफॉर्मेशन हो जाएगा। परमानेंटली डिफॉर्मेशन मतलब क्या है, वो कभी ओरिजिनल सेम में और वापस नहीं आ सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक बॉडी। आप सिंपल बात है कि इन इलास्टिक बॉडी उसको हम लोग अभी सिंपल बात है कि परफेक्टली इन इलास्टिक बॉडी मतलब है कि हम लोग किसी में फोर्स अप्लाई किया और सिंपल बात है जहां पर हम लोगों को फोर्स में, सिंपल मान के चलो कि ये एल था, हम लोग फोर्स से एल प्लस डेल एल किया, जैसे हम लोग फोर्स को रिमूव किया वो एल प्लस डेल एल में रह जाएंगे, ऐसे बॉडी को हम लोग इनइलास्टिक बॉडी कहेंगे। लेकिन बात ये है कि इस दुनिया में जैसे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी भी नहीं है, जैसे ऐसे परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडी भी नहीं है, कोई भी परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडी प्रेजेंट नहीं है। सिंपल बात है जैसे हम लोग एल डेल एल को छोड़ेंगे ये एल प्लस डेल एल नहीं रहेगा, थोड़ा सा भी कम हो जाएगा क्योंकि उस मटेरियल चाहेंगे उसका ओरिजिनल सेम में वापस जाने के लिए, तो जा तो नहीं पाएंगे क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी बहुत ही कम है या तो इलास्टिसिटी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत गेन करेगा, तो एकदम परफेक्टली इन इलास्टिक बॉडी नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। अब बात करेंगे जो हमारा दुनिया में प्रेजेंट है, तो हमारा प्रेजेंट क्या है, सिंपल बात ये तो बताना चाहिए ना क्या प्रेजेंट है। जो प्रेजेंट है ये है पार्टली इन इलास्टिक बॉडी, पार्टली इन इलास्टिक बॉडी, ठीक है। अब देखो पार्टली इन इलास्टिक बॉडी मतलब क्या है, सिंपल बात ये है कि थोड़ा बहुत क्या होता है वो गेन कर देता है, ठीक है। हम लोग जब भी किसी बॉडी को फोर्स लगाते हैं कोई भी मटेरियल में और फोर्स लगाने की वजह से उसमें लेंथ का क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है, चेंज होता है, फिर क्या होता है जैसे रिमूव करते हैं, रिमूव करने के बाद थोड़ा बहुत आते हैं लेकिन पूरे ओरिजिनल सेम में नहीं आते, इसको कहते हैं पार्टली इन इलास्टिक बॉडी। और बात यह है दुनिया में पार्टली इन इलास्टिक बॉडी सबसे ज्यादा है, जो भी कुछ होता है ये पार्टली इन इलास्टिक बॉडी है, परफेक्टली इन इलास्टिक बॉडी तो नहीं है लेकिन पार्टली इन इलास्टिक बॉडी सब कुछ है, ठीक है, समझ गया। चलो क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक बॉडी भी नहीं है, ठीक है, तो उसमें भी पार्टली इलास्टिक बॉडी है और पार्टली इन इलास्टिक भी बॉडी है, कुछ भी चीज परफेक्ट नहीं होता, ठीक है, इसलिए बोलता है कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो परफेक्टली होता है, ठीक है। चलो ये भी देख लिया, अब हम लोग बात करेंगे कि हाँ आप देखते हैं, मुझे बताओ कि जो जिसमें इलास्टिसिटी किसमें ज्यादा होता है, कौन मटेरियल में, स्टील में या तो वाटर में या तो रबर में, और इलास्टिसिटी होगा स्टील, वाटर, रबर और कह सकते हो ईयर। देखो ऐसा क्वेश्चन हमेशा देता है कि किसका सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी है, ठीक है, ग्रेटर से लेस देन में सजाओ, सबसे ज्यादा जिनका है उसको पहले बोलो, उसके बाद उसको, और सबसे छोटा किसका है इलास्टिसिटी, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक टॉपिक पहले हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इस टॉपिक का क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन को हम लोग साफ नहीं कर रहे, इस क्वेश्चन को रहने दो, ठीक है। चलो डिस्कस कर लेते हैं पहले हम लोग कि इलास्टिक लिमिट क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या है, इलास्टिक लिमिट है द मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू व्हिच अ बॉडी रिटेन्स हिज प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिक लिमिट का मतलब यह है
कि कोई भी आपका रबर है, ठीक है, आप रबर में फोर्स अप्लाई कर रहे हो, देख लो लेंथ ज्यादा हो रहा है, फिर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, देख लो हाँ और भी ज्यादा हो गया, फिर अप्लाई कर रहे हो, फिर एक टाइम कट जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है ना, उसका इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगा और ये क्या होगा, मटेरियल टूटेगा। तो फिर बताओ ये इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है? इलास्टिक लिमिट का मतलब है कि मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम ऐसा एक पॉइंट है, मैक्सिमम ऐसा एक पॉइंट है जिस पॉइंट तक हम लोग अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, नहीं ये बॉडी ये मटेरियल रिटेंस करेंगे और ये वापस पोजीशन में आ सकते हैं इसी मैक्सिमम पोजीशन तक, लेकिन उसके बाद हम लोग जैसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, ठीक है, ये कटेगा, इसका डिफॉर्मेशन हो जाएगा, परमानेंटली डिफॉर्मेशन भी हो सकते हैं। तो बात यह है कि जिस पॉइंट तक मैक्सिमम जिस पॉइंट तक हम लोग फोर्स को अप्लाई करते हैं और क्या करते हैं ना उस बॉडी का रिटेंस कर, उस बॉडी का वापस आने का, उस बॉडी का वापस आने का क्या होता है ना प्रॉपर्टी मेंटेन रहता है, वापस आ सकते हैं उस पॉइंट तक, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट। अब हम लोग देखो, अब हम लोग एक ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है, और इस ग्राफ से समझेंगे क्या क्या है। जैसे सपोज मान के चलो ये है स्ट्रेस, ये कोई नहीं पढ़ाएगा यार, ये ग्राफ टाप कोई नहीं कराएगा, क्योंकि ये मैंने बहुत ही एडवांस लेवल में आप लोगों को अभी करा रहा हूं, एक बार अगर सीख जाओगे तो पूरे जिंदगी में आपको ये इलास्टिसिटी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो स्ट्रेस, ये होगा स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होगा अभी दो मिनट में मैंने बताने जाऊंगा, नेक्स्ट टॉपिक ही है स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है, तो समझ लो। अब क्या है, ठीक है, देखो ये है, अब ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट B, C, फिर मान के चलो कि ये हो गया आपका D, ये हो गया जैसे E, ठीक है E। अब बात करते हैं हमारा जो काम का है इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट मतलब क्या है, इस पॉइंट को कहते हैं हम लोग इलास्टिक लिमिट, इस पॉइंट को कहते हैं हम लोग इलास्टिक लिमिट, ये ए पॉइंट को इलास्टिक लिमिट, ठीक है। फिर ये हो गया अपर रियल पॉइंट, लोअर रियल पॉइंट, फिर आपके पास ये आएगा, देखो ये हम लोग सारे कुछ टॉपिक बात करेंगे जब हम लोग जाएंगे उस टाइम में, हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जब हम लोग डिस्कस करेंगे तब हम लोग ये पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमारा क्या है इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट है मैक्सिमम ये पॉइंट है, ये जो प्रोपोर्शनल लिमिट है इसको हम लोग ओए को प्रोपोर्शनल लिमिट भी कहते हैं, और ये पॉइंट को हम लोग कहते हैं कि इलास्टिक लिमिट, मैक्सिमम इलास्टिक लिमिट का पॉइंट। तो इस पॉइंट तक हम लोग कोई भी फोर्स लगाते हैं ना तो ये बॉडी क्या होगा वापस आ जाता है उसका प्रीवियस ओरिजिनल सेम में, लेकिन इसके बाद हम लोग जैसे ही क्या फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा बॉडी क्या होगा टूट सकते हैं, ब्रेक हो सकते हैं, वापस नहीं आएंगे, उसका थोड़ा डिफॉर्मेशन हो जाएगा, ये सब कुछ प्रॉब्लम दिखाई देगा, ठीक है। तो इलास्टिक लिमिट का मतलब है कि एक मैक्सिमम पॉइंट है, स्ट्रेस और स्ट्रेन अभी समझ लेंगे उस टाइम आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा कि जब हम लोग मैक्सिमम पॉइंट तक किसी भी बॉडी को फोर्स अप्लाई करते हैं और उसी पॉइंट तक हम लोग अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस बॉडी का ये पावर रहेगा, उस बॉडी का रिटेंस करने का क्या रहेगा ना उसमें कैपेबल है, वो रिटेंस कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा वो कैपेबल नहीं रहता है उसका ओरिजिनल शेप में वापस आने का, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग इलास्टिक लिमिट। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या है, मतलब एक बात हम लोगों को समझ में आ रहा है कि जिनका इलास्टिक लिमिट ज्यादा रहेगा, जिनका इलास्टिक लिमिट ज्यादा रहेगा उसका इलास्टिसिटी ज्यादा है, हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि इलास्टिसिटी तो वन टाइप क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है इलास्टिक लिमिट में। देखो सिंपल बात बताओ कि जो रबर है, जो कुछ भी एक मटेरियल है, उसका सपोज मान के चलो यहाँ पर उसका इलास्टिक लिमिट खत्म हो रहा है, और एक मटेरियल है उसका यहाँ पर इलास्टिक लिमिट खत्म हो रहा है। अब बात सुनो, जिनका इसमें इलास्टिक लिमिट खत्म हो रहा है इस पॉइंट तक मैक्सिमम पॉइंट है, और ये क्या है लिस्ट पॉइंट है, या तो मिनिमम मिनिमम फोर्स लगा सकते हैं हम लोग। सिंपल बात है, किसका इलास्टिसिटी ज्यादा है, इसका इलास्टिसिटी ज्यादा है, क्योंकि इसमें इलास्टिक लिमिट ज्यादा है, हम लोग इसमें जितना फोर्स अप्लाई कर सकते हैं अगर उसी फोर्स को हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, हाँ ब्रेक हो जाएगा, उस पर टूट जाएंगे, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्या होगा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल बात है, जिनका इलास्टिक लिमिट ज्यादा होंगे उनके क्या होगा इलास्टिसिटी ज्यादा होगा। आप मुझे बताओ कि स्टील का इलास्टिसिटी ज्यादा है या रबर का है या वाटर का है या ईयर का है, किसका इलास्टिसिटी मैक्सिमम है, मुझे बताओ इलास्टिसिटी किसका मैक्सिमम है,
देखो स्टील का क्या इलास्टिसिटी रहता है? सिंपल एक बात आप, स्टील का ये इलास्टिसिटी रहता है या नहीं रहता है? स्टील को किसी ने कर सकते हो क्या फोर्स दे के इलास्टिसिटी का भी चेक किया हो क्या? इलास्टिसिटी स्टील का है लेकिन रबर का है, रबर को हम लोग इजिली कर सकते हैं। लेकिन ये बात गलत है, ये बात गलत है क्योंकि रबर में फोर्स ज्यादा नहीं लगती, इसलिए हम लोग रबर में कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी है। लेकिन स्टील में भी इलास्टिसिटी है, स्टील में भी इलास्टिसिटी है। और बात यह है कि जो इलास्टिसिटी है वो स्टील में मैक्सिमम है, स्टील में सबसे ज्यादा है रबर से या तो वाटर से। उसके बाद आते हैं एयर, उसके बाद आते हैं एयर, सबसे ज्यादा आते हैं स्टील में। स्टील में इलास्टिसिटी इसलिए ज्यादा है क्योंकि स्टील का इलास्टिक लिमिट मैक्सिमम है, स्टील का इलास्टिक लिमिट मैक्सिमम है, इसलिए बोला था कि इलास्टिक लिमिट को पहले सीख लेते हैं। उसके बाद रबर का है, देखो हम लोग रबर का देख सकते हैं रबर का फोर्स, लेकिन स्टील में इलास्टिसिटी अगर हम लोगों को प्रूव करना है तो हम लोग जितना स्टील में अगर फोर्स अप्लाई करते हैं उसी फोर्स में उस स्टील क्या करते हैं ना उसके ओरिजिनल सेम में वापस आ सकते हैं, ठीक है? जिस फोर्स हम लोग अप्लाई करने के बाद वो वापस आ सकते हैं उसी फोर्स को अगर हम लोग रबर में यूज करते हैं ना तो रबर का ना जाने क्या होगा, रबर तो टूट जाएंगे, उसका इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगा, फिर रबर बचेगा भी नहीं, ठीक है? तो सिंपल हम लोग कह सकते हैं ये क्वेश्चन बहुत मैक्सिमम टाइम आते हैं, ठीक है? किसका सिंपल होता है सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी, तो स्टील का सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी है, उसके बाद रबर वाटर का है, उसके बाद एयर का है, याद रखना। चलो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने बोल दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। आप पढ़ेंगे स्ट्रेस, नहीं उसके पहले ना एक फॉर्मूला है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को, ये प्रूफ भी है, लेकिन प्रूफ अगर आप लोगों को जरूरत है बोलना कमेंट में, तब मैंने प्रूफ कराऊंगा। पोटेंशियल लिमिट, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, नॉट लिमिट, एनर्जी क्या होगा? सिंपली होगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू सिंपली होगा क्या, हाफ इंटू फोर्स, हाफ इंटू अप्लाइंग फोर्स इंटू क्या होता है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। तो सिंपल कह सकते हैं हाफ इंटू एफ इंटू डेल एल, ठीक है? ये होगा फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोगों का जेई मेंस बोले या तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको अगर प्रूफ करना है इलेक्ट्रिक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो कमेंट बॉक्स में जाओ और कमेंट करो हाँ हम लोगों को प्रूफ चाहिए, तभी हम लोग एक छोटी क्लास में 10 मिनट या तो 15 मिनट का वीडियो में हम लोग ये प्रूफ आप लोगों को दे देंगे, प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? चलो आप देखेंगे हमारा काम का क्या है, स्ट्रेस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोलो, 11th 12th बोलो, या तो जेई मेन्स बोलो या तो नीट बोलो, हर क्वेश्चन में आते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस क्या है ना, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ डिफॉर्म बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का मतलब क्या है? स्ट्रेस का मतलब सिंपली है कि फोर्स अपॉन एरिया, मतलब क्या है कि इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, आपने कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी है इसमें फोर्स अप्लाई कर लो, फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होगा, इलास्टिसिटी के टाइम में ये क्या हो रहा है, इलास्टिसिटी के टाइम में ये थोड़ा लेंथ में चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें इंटरनल एक रिस्टोरिंग फोर्स रहता है, इंटरनल एक रिस्टोरिंग फोर्स रहता है, जिस फोर्स में क्या करता है ना इस बॉडी को खिंचने के बाद जो चेंज होता है इस चेंज को रोकता है, डिफॉर्म होने से रोकते हैं इस बॉडी को। ये जो अंदर में जो इंटरनल जो रिस्टोरिंग फोर्स रहता है, इस रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है ना पर यूनिट एरिया में काम करता है, पर यूनिट एरिया में। ये जो अंदर में रिस्टोरिंग फोर्स है, इस फोर्स क्या करते हैं पर यूनिट एरिया में काम करता है, पर यूनिट एरिया में काम करने के बाद क्या करते हैं उसी जो डिफॉर्मेशन होता है या तो गेनिंग होता है लेंथ को, उसको रोकता है, उसको डिफॉर्म होने से रोकते हैं, ठीक है? तो उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, ठीक है? स्ट्रेस अपॉन है फोर्स अपॉन, ये फोर्स क्या ऐसे फोर्स है, ये है इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स,
जो आप लोगों को क्या करता है ना, आपके पास सिंपल उसमें क्या करता है ना, उसमें आप लोगों को चेंज होने से रेजिस्टेंस, आप लोग कह सकते हो कि ये एक है इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, या तो रेजिस्टेंस करता है, रेजिस्ट करता है क्या है चेंज करने में, लेंथ को चेंज करने में रेजिस्ट करता है इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, जो प्रीवियस ओरिजिनल शेप है उसी शेप में इसको रहने के लिए ये फोर्स क्या करता है, रेजिस्ट करता है, तो इसको कहते हैं हम लोग स्ट्रेस। स्ट्रेस भी वन टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, स्ट्रेस इक्वल टू कह सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे, इसका साइन ऐसे, ठीक है, तो सिंपल स्ट्रेस इक्वल टू हो गया फोर्स अपॉन एरिया। अब बताओ कि क्या बताना है, हाँ सिंपल बताओ कि इसका यूनिट क्या होगा, सबसे पहले यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन, एरिया का यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर, तो सिंपल इसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब एक बार ध्यान से सुन लो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग कहते हैं पास्कल, पास्कल, ठीक है, तो सिंपल बात है कि वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू है पास्कल, ठीक है, दो तीन और, वन किलो पास्कल क्वेश्चंस में ये आएगा, वन मेगा पास्कल आएगा, वन गीगा पास्कल आएगा, इसका मतलब क्या है, वन किलो पास्कल का मतलब क्या है 10 क्यूब पास्कल, ये है 10^6 पास्कल, ये है 10^9 पास्कल, पास्कल को पी ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, 10 क्यूब पास्कल का मतलब भी हो सकता है 10 क्यूब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10^6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10^9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, समझ गया, यह है इसका यूनिट। अब बात करते हैं कि इसका डायमेंशन क्या होगा, ये तो हो गया इसका स्ट्रेस का यूनिट, ठीक है, स्ट्रेस का डायमेंशन क्या होगा, ये भी प्रूव करके बताओ क्या डायमेंशन क्या है, स्ट्रेस है ये और इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। अब बताओ फोर्स मतलब क्या है, फोर्स मतलब है मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया। अब मास इनटू एक्सेलरेशन में मास का क्या है, मास होता है कैपिटल एम से डिनोट, कैपिटल एम से डिनोट, एरिया कैसे, एक्सेलरेशन कैसे डिनोट होता है, एक्सेलरेशन का मतलब है, एक्सेलरेशन का मतलब है कि आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का मतलब है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू टाइम, या तो कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, और टाइम को कैसे टी स्क्वायर से करते हैं, तो सिंपली एल बाय टी स्क्वायर, या तो कह सकते हैं एल टी टू द पावर माइनस टू, एकदम प्रूफ कर लेना, याद रखने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन करके निकाल लेना अगर भूल जाओगे तो। फिर है एरिया, एरिया को कैसे है, एरिया का सिंपली क्या सकते हो एल स्क्वायर, तो इसको सिंपल जैसे करोगे तो आएगा आपके पास एम एल टू द पावर माइनस वन टी टू द पावर माइनस टू, ये हो गया आपके पास डायमेंशन, ठीक है, तो स्ट्रेस का डायमेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी डायरेक्ट आपको सवाल में पूछता है कि स्ट्रेस का डायमेंशन क्या है, एम एल टू द पावर माइनस वन टी टू द पावर माइनस टू, ये हो गया आपका स्ट्रेस का डायमेंशन। आप देखते हैं यूनिट देख लिया, डायमेंशन देख लिया, ठीक है, अब क्या बचा है, हाँ दो टाइप का स्ट्रेस होगा, एक तो होगा टेंशन, की सिंपल बात है बाहर की तरफ खींच रहे हो, इस केस को बोलोगे टेंशन, एक होगा कंप्रेशन, मतलब क्या है अंदर की तरफ खींच रहे हो, अंदर की तरफ, तो इसको क्या होगा कंप्रेशन, ठीक है, दो टाइप का स्ट्रेस है याद रखना, एक होता है टेंशन एक होता है कंप्रेशन, ये भी बोल दिया मैंने, आप देखते हैं, देखो बिल्कुल जो भी कुछ सिंपल टॉपिक है उसको भी कंप्लीट कर लेना, क्योंकि सिंपल को अगर छोड़ोगे तो सिंपल से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस। अब बात करेंगे स्ट्रेन का बारे में, कि स्ट्रेन का डेफिनेशन, स्ट्रेन को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, स्ट्रेन को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, आप देखते हैं कि स्ट्रेन का डेफिनेशन क्या है, द फ्रैक्शनल चेंज इन कॉन्फिगरेशन, मतलब क्या है, थोड़ा बहुत चेंज हो गया, फ्रैक्शन चेंज इन कॉन्फिगरेशन क्यों बोल रहा हूं, सिंपली देखो, चेंज इन कॉन्फिगरेशन अपन ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन, मैं क्यों कॉन्फिगरेशन लिख रहा हूं,
क्योंकि जो स्ट्रेन होता है ना, इसमें स्ट्रेन टाइप भी होता है। एक तो होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, एक होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मतलब है वॉल्यूम में चेंज होगा, या तो सेम में चेंज होगा, या तो लेंथ में चेंज होगा। तो किस में चेंज होगा? जिसमें चेंज होगा सिंपली लेंथ में चेंज हो रहा है, तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। अगर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, चेंज इन वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। इसलिए मैंने लिख रहा हूं चेंज इन कॉन्फिगरेशन अपन ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन, ठीक है। जो आपके पास एक्चुअल फिगर है उसमें जो चेंज हो रहा है इसको कहते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब ही है कि हम लोग फोर्स अप्लाई करने के बाद उसमें जो चेंज हो जाता है, जैसे डिफॉर्मेशन हुआ ना, तो डिफॉर्मेशन जैसे होता है ओरिजिनल बॉडी के रिस्पेक्ट में, उसको हम लोग कहते हैं कि स्ट्रेन, ठीक है, इसको कहते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन का तब अगर हम लोग पूछेंगे कि स्ट्रेन का यूनिट क्या है, तो क्या होगा स्ट्रेन का यूनिट, स्ट्रेन का यूनिट निकाल लेते हैं। देखो अगर लेंथ का बात है तो यह हो जाता है चेंज इन, अगर लेंथ का बात है तो ये हो जाएगा आपका चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ। तो मुझे बताओ लेंथ का यूनिट क्या है? लेंथ का यूनिट है, लेंथ का यूनिट क्या है? लेंथ का यूनिट है मीटर, इसका भी यूनिट है मीटर, तो दोनों तो कट जाएगा ना, तो आपके पास यूनिट कैसा आएगा? तो सिंपल बात है कि स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं रहता है, स्ट्रेन का यूनिट लेस है, नो यूनिट, नो यूनिट, याद रखना स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं रहता है। अब बात आता है कि डायमेंशन, जब यूनिटी नहीं आया तो डायमेंशन कैसा आया? तो सिंपल बात है ये हो गया डायमेंशन लेस, ये हो गया डायमेंशन लेस। तो स्ट्रेन का मतलब समझ में आया कि स्ट्रेन का मतलब है जो चेंज इन कॉन्फिगरेशन होता है, या तो चेंज इन लेंथ बोलो, या तो चेंज इन वॉल्यूम बोलो, अपन ओरिजिनल लेंथ या तो अपन ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको कहते हैं हम लोग स्ट्रेन। तो स्ट्रेन भी देख लिया, स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, फिर हम लोग कंप्लीट करेंगे हुक्स लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हुक्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हुक्स लॉ का डेफिनेशन अगर पूछेंगे तो क्या बोलोगे? हुक्स लॉ का डेफिनेशन ये है, विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है। इलास्टिक लिमिट मतलब क्या है? तो अभी समझ में आया, ये हो गया स्ट्रेस, ये हो गया स्ट्रेन, सिंपल ये हो गया आपका प्रोपोर्शनल लिमिट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इसको कहते हैं हम लोग इलास्टिक लिमिट, इसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट। देखो हुक्स लॉ क्या कहते हैं कि विद इन इलास्टिक लिमिट, इस इलास्टिक लिमिट तक मैंने अगर किसी बॉडी को खींच रहा हो तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हम लोगों को भी ग्राफ से दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो जब भी स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, सिंपल मतलब है ये और ये क्या है, रेस्पेक्ट है, ये एक सेंटीमीटर बढ़ेगा तो ये भी एक सेंटीमीटर, ये दो सेंटीमीटर फिर दो सेंटीमीटर, ये तीन सेंटीमीटर फिर तीन सेंटीमीटर, इसके बाद देखो फिर कर्व लेना स्टार्ट हो गया। तो मतलब क्या है कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब क्या है, विद इन इलास्टिक लिमिट हमारा जो स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या रहता है, इसका जो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, ठीक है, ये होता है हमारा हुक्स लॉ। तो सिंपल बात क्या है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो हम लोगों को अगर ये सिंपल प्रोपोर्शनल को हटाना है तो एक कॉन्स्टेंट आएगा, एक कॉन्स्टेंट आएगा, जो कॉन्स्टेंट क्या है, कैपिटल ई, जो कैपिटल ई है। तो सिंपल क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होगा आपका, डायरेक्ट इलास्टिक लिमिट होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, मैंने बोला अभी हुक्स लॉ में बोलते हैं कांस्टेंट होगा। और इस कैपिटल ई को, कैपिटल ई को मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इस ई क्या है, इस ई है कांस्टेंट जिसको हम लोग कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, समझ में आया। तो हम लोग ई को क्या कहते हैं, ई को कहते हैं हम लोग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो सिंपल ये हो गया हमारा हुक्स लॉ, और हुक्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी क्वेश्चंस करेंगे तो सिंपल आप एक फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, समझ में आया। चलो
तो हुक्स लॉ भी कंप्लीट हो। अब बात कर लेते हैं कि ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का आपका जो यूनिट होगा, यूनिट क्या होगा, यूनिट भी हो ही होगा, क्योंकि देखो स्ट्रेन का तो कोई यूनिट है नहीं, तो जो यूनिट होगा स्ट्रेस के ऊपर होगा। तो स्ट्रेस का यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या तो पास्कल, यही होगा इसका भी यूनिट। इसका डायमेंशन क्या होगा, जो डायमेंशन स्ट्रेस का है वही होगा इनका डायमेंशन। तो डायमेंशन भी सिंपल क्या होगा ना, डायमेंशन भी होगा एम एल टू दी पावर माइनस वन टी टू दी पावर माइनस टू, यह होगा इसका यूनिट डायमेंशन। ठीक है, मतलब स्ट्रेस का ही डायमेंशन जो है सिंपल, उसका भी डायमेंशन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, क्योंकि स्ट्रेन का ना तो कोई डायमेंशन है और ना तो कोई यूनिट है। ठीक है, समझ में आया। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। हाँ, आप आया, देखो आप आया कि स्ट्रेन का जो टाइप है उसमें एक टाइप आया लॉन्गी ट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का मतलब क्या है, देखो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आज नहीं होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन करेंगे उस टाइप का कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, आज हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को पढ़ लेते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का मतलब है कि एल है, मैंने आप फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने के बाद ये सिंपल क्या हो गया, डेल एल बढ़ गया, एल था अब डेल एल बढ़ गया। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का मतलब है कि हमारा लेंथ में कितना चेंज हुआ है, डेल एल, और सिंपल क्या है, उसका ओरिजिनल लेंथ क्या था, एल। तो इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। मतलब सिंपल बात है कि यूनिट एरिया, यूनिट लेंथ में, कोई भी लेंथ में आपका जो चेंज मिला है, जितना चेंज मिला है आपका लेंथ में, तो उसी चेंज को अगर आपको ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड करोगे तो आपको लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन मिल जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम लोग डिस्कस तो नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत बोल देते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब क्या है, अगर सिंपल उसका प्रीवियस वॉल्यूम था वी और अभी चेंज हो गया डेल वी, तो यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है, यूनिट वॉल्यूम में अगर उसका चेंज हो गया, ठीक है, तो उसका सिंपल हम लोग कहेंगे डेल वी अपॉन वी, ये हो गया उसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाला है ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को। ठीक है, इसको पहले डिस्कस करते हैं। देखो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस भी होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, जो स्ट्रेस का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन क्या है, एरिया। फोर्स अपॉन क्या है ना, फोर्स अपॉन है उसमें जो एरिया दे देगा, ठीक है, यूनिट एरिया जो दे देगा वही है आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ठीक है, आप लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का भी फॉर्मूला जान गया, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का भी फॉर्मूला जान गया, अब हम लोग एकदम बात करेंगे यंग मॉड्यूलस को लेकर। क्या है यंग मॉड्यूलस, यंग मॉड्यूलस क्या होता है, यंग मॉड्यूलस का मतलब होता है कि जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन अपन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ठीक है, इसको कहते हैं यंग मॉड्यूलस। यंग मॉड्यूलस क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन अपन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ठीक है, अब देख लेते हैं कि यह लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या है, सॉरी ये हो गया लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपन एरिया, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, डेल अपन एल। यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा जो स्ट्रेस का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही है इसका यूनिट। ठीक है, समझ में आया। चलो अब यंग मॉड्यूलस को समझ में आए, यंग मॉड्यूलस है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, क्योंकि यंग मॉड्यूलस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस हमारा आएंगे। ठीक है, सिंपल हम लोगों को ये क्वेश्चंस बहुत टाइम पूछेंगे यंग मॉड्यूलस। एक बात देख लेते हैं कि यंग मॉड्यूलस जो है ये सिंपल क्या होता है, सॉलिड में प्रेजेंट रहता है, ये ना तो कोई गैस में और ना तो कोई लिक्विड में
यंग मॉड्यूलस प्रेजेंट नहीं रहता। क्यों नहीं रहता ये रीजन मुझे बताओ, क्योंकि देखो स्ट्रेस तो सब में प्रेजेंट रहेगा, लेकिन स्ट्रेन का मतलब क्या है, उसमें लेंथ या तो उसमें जो लेंथ होगा, लेंथ रहना चाहिए ना उसमें साइज और सेम में। अब मुझे बताओ लिक्विड में, लिक्विड या तो गैस में कोई लेंथ रहेगा क्या? सिंपल बात है, कुछ लेंथ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें तो कुछ सॉलिड नहीं है ना, इसमें कैसे लेंथ में कुछ सेम मिलेगा, सेप कुछ भी नहीं है। तो सिंपल बात है, जब सेप ही नहीं है तो सिंपल गैस और लिक्विड में यंग मॉड्यूलस नहीं मिलेगा। यंग मॉड्यूलस सिर्फ जो प्रॉपर्टीज है ये सिर्फ मिलेगा आपको किसमें, ना सॉलिड बॉडी में। ठीक है, समझ में आया? ये भी क्वेश्चन आपको कभी कभी पूछ लेते हैं। चलो अब यंग मॉड्यूलस भी देख लिया, अब हम लोग देखेंगे कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को फॉर्मूला से दो चार प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम लोग नेक्स्ट डे से सॉल्व करेंगे। आज हम लोग पहले लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखो हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि क्वेश्चंस को अच्छे से लगाएंगे, तो मैं आपको क्वेश्चंस बोलूंगा, नोट करूंगा क्या क्या गिवन डाटा है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सुन लो अच्छे से कि क्वेश्चंस ये है, कोई भी ऑयल है, कोई भी आपके पास ऑयल है, और ऑयल में बोल दिया कि लेंथ क्या है, उसका लेंथ दे दिया आपको 30 मीटर, लेंथ दे दिया 30 मीटर। ठीक है, कोई भी लेंथ दिया आपको 30 मीटर, और उसमें जो एरिया दिया है, देखो कोई एक ऑयल है जिस ऑयल का लेंथ दे दिया 30 मीटर, ठीक है, और उसमें जो ये वाइड ऐसे लेंथ रहते ना, ये जो वाइड एरिया है ना, ये वाइड एरिया कितना दिया है, 2 मिलीमीटर स्क्वायर। ये एरिया कितना दिया है, 2 मिलीमीटर स्क्वायर। अब लेंथ कितना दिया है, लेंथ दिया है आपको 30 मीटर। अब बोला है किसी वन साइड में, किसी एक साइड में आपने 5 kg, आपने 5 kg का क्या है, कोई भी बॉडी लगा रहे हो, ठीक है, 5 kg, और जैसे आपने किसी वन साइड में 5 kg का जैसे भी वेट दिया, आपको टोटल लेंथ में क्या डिफरेंस आया है, लेंथ में जो आपका डिफरेंस आया है, ये कितना डिफरेंस आया है, ये आया है आपका 0.49 सेंटीमीटर, 0.49 सेंटीमीटर। 5 kg का आपने वेट किसी वन साइड में लगाया, और 5 kg का वेट जैसे में आपने दिया है, आपको सिंपली 0.49 सेंटीमीटर का क्या आया है, चेंज आ गया, ठीक है, लेंथ में। तो आपको सिंपली क्वेश्चंस पूछा है कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ऑप्शन बी है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, और ऑप्शन सी है यंग्स मॉड्यूलस। तीनों क्वेश्चन का आंसर देना है। तो सबसे पहले देखो कि डाटा क्या गिवन है, एक तो एरिया दिया है जिसमें दिया है 2 मिलीमीटर स्क्वायर में, एक तो आपके पास लेंथ दिया है जो आपको दिया है 30 मीटर में, आपके पास एक डेल एल दिया है जो आपको दिया है सेंटीमीटर में। मतलब सबसे पहली बात यह तो है कि इसका तीनों यूनिट डिफरेंट है, अब इसको किसी एक यूनिट में करना है। देखो यूनिट किस में करना है, चाहे मीटर में करो या तो सेंटीमीटर में करो, क्योंकि अगर मीटर में करोगे तो ऐसा यूनिट मिलेगा, सेंटीमीटर करोगे तो आपको सीजीएस यूनिट मिलेगा। अब बात है कि देखो सेंटीमीटर ये है, तो इसको जस्ट हम लोग सेंटीमीटर करते हैं, इसको भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर ही अच्छा रहेगा। 30 मीटर का मतलब क्या है, 30 मीटर को अगर हम लोग सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या होगा, मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है, तो 3 × 10³ सेंटीमीटर। समझ में आया? एरिया को क्या करेंगे, एरिया को मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर का पहले है क्या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर फिर मिलीमीटर, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना है तो डिवाइड 10 करना है, लेकिन उसमें स्क्वायर है तो क्या करना है 100 से, तो 2 × 10⁻²² सेंटीमीटर आ गया, ये एरिया भी आ गया, लेंथ भी है। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को हम लोग निकाल सकते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि उसके फॉर्मूला क्या है, डेल एल अपन एल, और डेल एल इक्वल टू क्या है 0.49 अपन एल, क्या है एल है 3 × 10³, ये डायमेंशन लेस होगा, और इसका कैलकुलेशन करने के बाद जो आपके पास आएगा सिंपली ये कितना आने वाला है, ये आने वाला है 1.63 × 10⁻⁴, ये आपके पास कैलकुलेशन करके देख लेना, ये आपके पास आने वाला है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, ये तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन निकाल लिया, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स क्या है, कौन सा फोर्स लग रही है, फोर्स क्या है, फोर्स तो हम लोगों को दिया नहीं ना, ये 5 kg क्या है, 5 kg वेट दे दिया, ठीक है, तो अगर हम लोगों को फोर्स निकालना है तो इससे हम लोगों को फोर्स को निकालना है। समझ में आया? तो सिंपल बात क्या है, फोर्स क्या है, 5 kg वेट है, 5 kg वेट को अगर हम लोगों को फोर्स में चेंज करना है तो कैसे चेंज कर सकते हैं, कि 5 kg वेट है
सिंपल हम लोगों को केजी को तो पहले ग्राम में चेंज करते हैं और इसको 980 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये क्या होगा, ये फोर्स का डेफिनेशन में आ जाएगा, ये फोर्स में आ जाएगा। और यूनिट क्या है, सिंपली यूनिट क्या है, डाइम में आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है 980 क्या है, जैसे मैंने देखो प्रीवियस क्लास में, ये प्रीवियस दो क्लास का पहले मैंने लास्ट जो क्लास पढ़ाया था चैप्टर का लास्ट में, उसमें जब हम लोगों को ये चेंज किया था यूनिट को, उसमें देख लेना केजी वर्ड से जैसे हम लोग डाइन में 980 से मल्टीप्लीकेशन, तो सीजीएस में कर रहा हूं 980 से, तो सिंपली सीजीएस में क्या यूनिट होगा, डाइन होगा। तो ये हो गया आपके पास फोर्स। तो सिंपल फोर्स क्या है, 5 × 980 × 10³। और एरिया क्या है, एरिया है सिंपली आपके पास 2 × 10⁻², इसको है एरिया दे दिया। जैसे इसको कैलकुलेशन करोगे आप, जैसे इसको लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को जैसे कैलकुलेशन करोगे, आपके पास क्या आने वाला है, आपके पास सिंपली आने वाला है 2.45 × 10⁸, ये आने वाला है 2.45 × 10⁸ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास आने वाला है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। देखो आप ऊपर का साफ कर रहे हो, ठीक है, जैसे जैसे आपके पास क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आ गया और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस आ गया, तो यंग्स मॉड्यूलस को आप इजीली निकाल सकते हो। यंग मॉड्यूलस क्या होगा, यंग मॉड्यूलस होगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, मतलब है 2.45 × 10⁸ अपन क्या है, ये कितना आया था 3, ये आया था 1.63 × 10⁴। यूनिट क्या आएगा, यूनिट आएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको कैलकुलेशन करने के बाद जो आपके पास आएगा, ये आएगा 1.5 × 10⁻½ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को, एक एक क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी सीखते हो ये क्वेश्चंस अगर आप लोग खुद सॉल्व कर पा रहे हो, मतलब आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, और ये कंसेप्ट अगर एक बार क्लियर हो जाएगा तो कोई भी एग्जाम्स के लिए आप लोग इजीली क्रैक कर सकते हो, ठीक है, समझ में आए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि वायर था, वायर का एरिया दे दिया, लेंथ दे दिया। सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि यूनिट तीनों डिफरेंट है, यूनिट को अगर चेंज नहीं करोगे तो बस पूरे मैथ ही आपका गलत है, क्योंकि यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है, ठीक है, यूनिट को सबसे पहले ध्यान में रखना, ठीक है। चलो ये हो गया एक क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लो, कोई भी वायर है, ठीक है, उस वायर का डाया दे दिया, डायमीटर, डायमीटर दे दिया, डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर दिया है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर का डाया है। सिंपल देखो कोई वायर दिया है, वायर का डायमीटर दिया है 1 मिलीमीटर, और सिंपल ये बोला है कि वायर का जो लेंथ है, वायर का लेंथ का, वायर का लेंथ का 0.1% इंक्रीज करने के लिए आपको कितना फोर्स अप्लाई करना है, आपको कितना फोर्स अप्लाई करना है, जिसमें आप लोगों को यंग मॉड्यूलस का दे दिया है, यंग मॉड्यूलस गिवन है 9 × 10⁻¹ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस है कोई भी वायर का डायमीटर दे दिया 1 मिलीमीटर, और सिंपल आपको यह बोला है कि उसी वायर का जो ओरिजिनल लेंथ है, लेंथ क्या है मुझे पता नहीं है, उस लेंथ का 0.1% इंक्रीज करने के लिए आपको कितना फोर्स अप्लाई करना है। तो सिंपल बात है कि जब हम लोग मैथमेटिक्स भी सीखे थे तो सिंपल बात है, ये 0.1% का मतलब क्या है, 100 में 0.1 बढ़ेगा। तो मैंने जो ओरिजिनल लेंथ है ना, मैंने मान लिया कि ओरिजिनल जो मेरा लेंथ है, ओरिजिनल जो हमारा लेंथ है, ये हमारा क्या है 100 सेंटीमीटर मैंने मान लिया, ठीक है। तो सिंपल मुझे बताओ, अगर ये मैंने मान लिया तो मेरा जो यंग्स आपके पास आएगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जो आएगा, लॉन्गिट्यूडिनल जो स्ट्रेन आएगा, ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कितने आने वाला है, डेल एल अपन एल, और ये आएगा 0.1/100, और ये आएगा सिंपली कह सकते 1 × 10⁻³,
1 इंटू 10 टू द पावर माइनस क्यू, ये हमारा आएगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्वेश्चंस क्या दिया है, क्वेश्चंस में बोल दिया है कि यंग्स मॉड्यूलस मुझे पता है, मुझे फोर्स नहीं पता है। हम लोग यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला पता है, यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपन एरिया और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, जो मैं निकाल चुका हूं 1 × 10⁻¹। अब बात सुनो कि इसमें सारे को सेंटीमीटर में दे दिया, लेकिन ये है हमारा मिलीमीटर में, इसको पहले चेंज कर लेते हैं, इसको पहले चेंज करके हम लोग सेंटीमीटर में कर लेते हैं, 0.1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर हो गया, समझ गया। अब यंग मॉड्यूलस क्या दिया है, यंग मॉड्यूलस मुझे दे दिया, यंग मॉड्यूलस कितना दिया है 9 × 10⁻¹। फोर्स क्या है, फोर्स ही तो मुझे निकालना है, फोर्स ही तो मुझे निकालना है। एरिया कितना है, एरिया होगा सिंपल, इसमें डाया दिया है, मतलब क्या है, ये सर्कुलर है, डाया का मतलब क्या है, ये है, तो सिंपल आपके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें सर्कल का, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो सिंपल क्या है, पाई इंटू आर क्या है, डाया जब 0.1 है तो सिंपली क्या होगा, ये 0.1 / 2 का स्क्वायर, और ये कितना हो रहा है 1 × 10⁻³। यहां से आपने जैसे कैलकुलेशन करोगे, फोर्स इक्वल टू आपके पास आने वाला है 9 × 10⁻¹⁰ × 10⁻³ अपन पाई इंटू 0.1 अपन 2 स्क्वायर। इसको जैसे कैलकुलेशन करोगे आपके पास फोर्स कितने आने वाला है, आपके पास फोर्स आने वाला है 10.7.07 देखो ये क्या है, ये फोर्स अपन पाई में था, ठीक है, एफ अपन ए, तो ये भी तो नीचे आएगा ना, ये भी मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म में जाएगा, ये थोड़ा सा चेंज करना है, इसको भी मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म में जाएगा, पाई इंटू 0.1/2, ठीक है, फोर्स इक्वल टू निकल जाएगा तब। तो इसको जैसे कैलकुलेशन करोगे आपके पास फोर्स इक्वल टू आ जाएगा, और जैसे फोर्स इक्वल टू आएगा आप सिंपली क्या करोगे, फोर्स इक्वल टू आया, इसको जैसे कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास आएगा 7.07 × 10⁻⁶ थोड़ा बहुत ये आंसर क्या आ रहा है, ठीक है, मुझे लगा ये आंसर है, अप्रोक्सिमेटली ये कुछ आंसर आएगा, कैलकुलेशन करके देख लेना जो आंसर आएगा, ठीक है, जो आएगा आंसर, आंसर के यूनिट क्या रहेगा, टाइम रहेगा। चलो आप हो गया क्वेश्चन, देखो कैसे क्या है, हम लोग सिंपली ये कॉन्सेप्ट लगाया कि 0.1% इंक्रीज करना है, मतलब मैंने 100 मान लेता हूं, जैसे मैंने 100 मान लिया, ठीक है, मैंने जैसे 100 मान लिया तो 100 में मुझे 0.1 चेंज हो रहा है, और इसको क्या कर रहा है, 1/1000 आ गया, और 1 × 10⁻³, ये हमारा सिंपल आ गया क्या, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जब हमारे पास आ चुके हैं तो हम लोग सिंपल ये कह सकते हैं यंग मॉड्यूलस इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, फोर्स अपॉन एरिया उसका फॉर्मूला होता है, और एरिया का फॉर्मूला होगा पाई अपन क्या है आर स्क्वायर। 0.1 सेंटीमीटर, मिलीमीटर दे दिया 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 10 से डिवाइड करना है तो 0.1 सेंटीमीटर। तो इसको जैसे कैलकुलेशन करोगे सिंपली आपके पास आ चुका है, और इसको आएगा आपके पास फोर्स, ठीक है, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। चलो आप है लास्ट क्वेश्चन, या तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो दो क्वेश्चन कराए, दो क्वेश्चन से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करना नहीं तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को आप लोग फर्स्ट टाइम ट्राई करके सॉल्व कर पा रहे हो तो मुझे कहना पड़ेगा कि आप लोगों को इलास्टिसिटी का आधा सीख चुके हो, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, और इसलिए इस क्वेश्चन में हम लोग 2 इंक को यूज करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखते हैं कि ऑयल, कोई भी ऑयल है, 1 मीटर, 1 मीटर लेंथ है, 1 मीटर क्या है, ऑयल का 1 मीटर लेंथ है, डायमीटर कितना दे दिया, डाया दे दिया 0.8 मिलीमीटर,
0.8 मिलीमीटर ए एंड बी पॉइंट में। अब बात क्या है देखो कि दो पॉइंट है, इसको थोड़ा इस साइड में करते हैं। दो पॉइंट है ए पॉइंट और बी पॉइंट, ये ए और बी पॉइंट में जैसे कोई एक सरफेस में मैंने 1 मीटर लेंथ का वायर को क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दिया। ये क्या है, 1 मीटर का लेंथ है, 1 मीटर लेंथ का कोई वायर है, मैंने जिसको क्या कर रहा हूं, मैंने जिसको फिक्स कर दिया। अब बात है जिसका डायमीटर भी दे दिया, एरिया है तो इस एरिया का डायमीटर भी दे दिया कि 0.8 मिलीमीटर डायमीटर दिया है। अब बात सुनो क्या दिया है क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस में ये पूछा है मैंने ना, अब ठीक बिल्कुल मिड पॉइंट में, बिल्कुल मिड पॉइंट में कहां अप्लाई किया है, अप्लाई कर रहा हूं मैंने मिड पॉइंट में, मिड पॉइंट में मैंने एक वेट अप्लाई किया, मैंने एक वेट अप्लाई किया डब्ल्यू। इस वेट अप्लाई करने के लिए क्या हुआ, जैसे मैंने वेट अप्लाई किया फिर क्या हुआ, नहीं ये बॉडी, ये जो आपका सिंपल है, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर क्या हो गया, इसका 1 सेंटीमीटर चेंज हो गया, 1 सेंटीमीटर नीचे आ चुके हैं। मतलब क्या है, आप ये पोजीशन ऐसे आ चुके हैं, 1 सेंटीमीटर नीचे आ चुके हैं, क्योंकि इसको बहुत ही साफ सुथरा करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर देखो नीचे आ चुके हैं। ठीक है, ये क्या है, ये है आपका 1 सेंटीमीटर, ये कोई एंगल में। अब जैसे देखो ये तो एक्चुअल था, ये एक्चुअल है, ठीक है, जैसे मैंने W को फोर्स अप्लाई किया है, वेट अप्लाई कर रहा हूं, ये क्या हो रहा है, 1 सेंटीमीटर डाउन में आ चुके हैं। अब बात तो ये है ना, ये ओरिजिनल है तो ये क्या करेगा, ये इधर टेंशन देगा, इधर ये एक टेंशन होगा इधर, क्योंकि ये क्या करेगा, ये वापस पोजीशन में जाने जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है, ये वापस पोजीशन में जाने जाएंगे। बात ये है, क्वेश्चन अभी ये है कि ये जो मैंने वेट दिया है, ये जो मैंने वेट अप्लाई किया है, ये वेट जो मैंने अप्लाई किया है, कोई भी बॉडी मैंने जैसे रखा है, इस बॉडी का मास क्या है, इस बॉडी का मास क्या है, जो मैंने बॉडी नीचे में लगाया, इस बॉडी का मास क्या है, क्वेश्चन ये है, जिसमें आप लोगों को यंग मॉड्यूलस दे चुका है, यंग मॉड्यूलस इक्वल टू क्या दिया है, यंग मॉड्यूलस गिवन है 2 × 10⁵ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 × 10⁻¹² डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, फर्स्ट पॉइंट ये है, सबसे पहले तो नाम दे देते, ए वी, ये हो गया सपोज मान के चलो, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ठीक है मैंने नाम दे दिया। अब देखो बात ये है कि आपको अगर निकालना है मास तो सिंपल आपको फोर्स निकालना है, फोर्स अगर निकाल सकते हो तो आप मास इजीली निकाल सकते हो, अगर फोर्स नहीं निकाल पाओगे तो आप मास भी नहीं निकाल पाओगे। तो फोर्स निकालने के लिए अब बात है, इधर सुनो कि ये डब्ल्यू, ये जो W आया, ये W किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, देखो इधर है T, ये एंगल मान लेते हो थीटा, ये भी जो एंगल होगा ये भी थीटा होगा। सिंपल बात ये है, हम लोग सबसे पहले फिजिक्स जब स्टार्ट किया तो हम लोग बोला था कि कोई भी एंगल अगर है थीटा है तो ये क्या होगा, ये सिंपली दो कंपोनेंट में डिवाइड होगा, ये क्या है, ये हमारा है टी, तो दो कंपोनेंट जो होगा, एक होगा एक्स कंपोनेंट, एक होगा वाई कंपोनेंट, जिसके साइड में थीटा है वो हो जाएगा हमारा टी कॉस थीटा, और जिस साइड में नहीं है ये होगा टी साइन थीटा। हम लोगों को चाहिए किस साइड, ये डब्ल्यू को इक्वल करना है, डब्ल्यू इक्वल टू क्या है, डब्ल्यू इक्वल टू है ये जो वेट इधर लग रहा है उधर भी तो उसी वेट लगेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो सिंपल बात है इधर भी वही लगेगा, और इधर क्या लगेगा, एक तो लगेगा इधर टी कॉस थीटा, इसको मैंने ब्रेक करके इसी पार्ट्स को सिर्फ दिखा रहा हूं, देखो इधर टी है इधर भी टी है, थीटा है इधर भी थीटा है, इधर डब्ल्यू है, ठीक है, ये डब्ल्यू किसके साथ इक्वल होगा, इस कंडीशंस के लिए एक तो आएगा टी कॉस थीटा, और ये टी के लिए भी तो एक टी कॉस थीटा आएगा, तो हमारे पास ये टोटल कितना आया है,
डब्ल्यू इक्वल टू हमारे पास आए हैं टू टी कॉस थीटा। तो बात यह है कि इस टी का अगर हम लोगों को पता होता तो हम लोग इजिली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता। तो हम लोगों को जो चाहिए ये टी, टी होता है टेंशन, ठीक है, टी होता है जैसे देखना किसी भी ऑयल को खींचो फिर क्या होगा, छोड़ने के बाद वो फिर चला जाते हैं, तो वो क्या रहता है उसमें टेंशन रहता है। और ये टेंशन का फॉर्मूला रहता है, ये टी का जो फॉर्मूला रहता है, ये टी का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन इनटू एरिया, स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करेंगे, अब बात है तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो बात क्या है, ये मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है तो सिंपल ये कह सकते हैं कि ये हो गया आपके पास, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये हो गया आपके पास 50 सेंटीमीटर, ये हो गया आपके पास 50 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों इक्वल होगा, मिड पॉइंट बोला है। तो सिंपल बात ये है, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग ड्राइंग करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो सिंपल ये एक ये हो गया 50, ये हो गया 1 सेंटीमीटर, तो ये क्या होगा अकॉर्डिंग टू पिथागोरस रूल्स, ये हो जाएगा आपको ए सी डी है, तो सिंपली आपके पास ए सी आएगा ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर का मतलब क्या है, ए डी होता है 50 स्क्वायर, और ये होगा सी डी, क्या होगा सी डी होगा आपके पास 1 स्क्वायर, और इसको जैसे कैलकुलेशन करोगे आपके पास आने वाला है 50.01 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया, ये टोटल आ गया 50.01 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी 50.01 सेंटीमीटर, ये भी होगा 50.01 सेंटीमीटर, ये कुछ फर्क नहीं। ये 50.01 सेंटीमीटर क्या हो रहा है, इसमें एक्चुअली लेंथ का चेंज हो रहा है, और चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि वेट मैंने दिया है, तो उसमें क्या हो रहा है डिफॉर्मेशन हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब हम लोग कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो रहा है। अब एसी में, एसी पॉइंट में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को निकालना है, तो क्या है 0.01 सेंटीमीटर चेंज हुआ है, किसमें हुआ है 50 सेंटीमीटर में हुआ है। तो एसी में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन अगर क्या होगा, एसी पॉइंट में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होगा, एसी को इसको कैलकुलेशन करने के बाद सिंपली आपके पास आएगा 0.01/50, ये आपके पास आंसर आएंगे कितना 2×10⁻⁴, 2×10⁻⁴, ठीक है। देखो ये आएगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आ गया आपके पास एसी में, बात सुनो एसी में आपके पास लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आ चुके हैं। हम लोगों को यंग मॉड्यूलस दे चुका है, तो यंग मॉड्यूलस से तो हम लोग स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन निकाल सकते हैं, और जो स्ट्रेस हमारा है फोर्स जिसको हम लोग कह रहे हैं स्ट्रेस, उस स्ट्रेस को भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग स्ट्रेस निकाल दिया तो हमारा जो स्ट्रेन का था, जिसमें हम लोगों को फॉर्मूला था कि 2t cos थीटा, उसमें t इक्वल टू हम लोगों को पता है कि स्ट्रेस इनटू क्या, स्ट्रेन इनटू क्या होगा आपके पास सिंपली एरिया, तो आपके पास स्ट्रेस इनटू एरिया, तो आपके पास स्ट्रेस अगर निकाल सकते हो तो आपके पास कैलकुलेशन हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब देखो ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट था आ चुका है। अब बात आते हैं कि यंग मॉडुलस को हम लोग काम में लगाते हैं, यंग मॉडुलस मुझे पता है कि फोर्स अपन एरिया अपन क्या है स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या है 2×10⁻⁴। यंग मॉड्यूलस क्या दिया है, यंग मॉड्यूलस आपको सिंपली दे दिया, यंग मॉड्यूलस कितना दिया है, यंग मॉड्यूलस दे दिया 2×10⁻½ इक्वल टू फोर्स अपन एरिया, एरिया क्या है, एरिया को छोड़ो ये स्ट्रेस रहने दो, ये स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, और स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन है आपके पास 2×10⁻⁴, और जैसे आपके पास स्ट्रेस कितना आने वाला है, स्ट्रेस आपके पास आने वाला है, इसको कैलकुलेशन करो 4×10⁸ ये आपके पास आने वाला है स्ट्रेस इक्वल टू, ठीक है, ये यूनिट दे दो 9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये आ गया स्ट्रेस, ये आ गया स्ट्रेन, ऐसे आ गया, मैंने थोड़ा बहुत ऊपर में साफ कर रहा हूं, ठीक है, मैंने ऊपर में साफ कर रहा हूं थोड़ा, ये तो काम में आप लगेगा नहीं, पिक्चर रहने दो, डायग्राम रहने दो। याद रखना कि डायमीटर जो दिया है ये दिया है 0.08 मिलीमीटर, ठीक है, डायमीटर दिया है। अब सुनो कि स्ट्रेस निकल दिया, मुझे टी का फॉर्मूला क्या बोला है, टी का जो फॉर्मूला है आपके पास, टी का फॉर्मूला है स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस इनटू एरिया। अब स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस का फॉर्मूला आ चुका है 4×10⁸, और एरिया क्या है, एरिया है आपके पास 0 है, तो सिंपली पाई आर स्क्वायर, आर मतलब क्या होगा 0.08/2 का स्क्वायर, और जिसपे इसको जैसे कैलकुलेशन करोगे आपके पास आंसर आने वाला है 64 पाई 64 पाई × 10⁴ डाइन 10⁴ डाइन
आपके पास t इक्वल टू आ चुके हैं। आप आपको क्या है सिंपली वर्ड निकलना है w इक्वल टू क्या है 2t cos theta। अब बात है सुनो कि थीटा का इक्वल टू ये है तो cos theta इक्वल टू क्या आएगा, cos theta इक्वल टू क्या आएगा, cos theta का फॉर्मूला होते हैं cos theta का बेस अपन क्या होगा, बेस अपन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, बेस अपन हाइपोटेन्यूस। तो सिंपल बेस क्या है, बेस है आपका सिंपल 1, क्योंकि यह होगा बेस और हाइपोटेन्यूस होगा 50.01। ठीक है, यह होगा cos theta। तो 2 into t क्या है, यह है 64π × 10⁴ into cos theta क्या है 1 अपॉन अप्रोक्सीमेटली 50 मान सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग आप इसका जरूरत नहीं है। तो इसको जैसे कैलकुलेशन करोगे, इसको जैसे आपके पास कैलकुलेशन आएगा, फिर ये वेट इक्वल टू क्या आने वाला है, फिर ये वेट इक्वल टू सिंपली आपके पास आने वाला है कि ग्राम वेट। इसको फिर इसको कैलकुलेशन करो और इसको कैलकुलेशन करके आपके पास आने वाला है 82.02 ग्राम वेट। तो सिंपल क्या है 82.02 ग्राम वेट उसका वेट है, तो सिंपल उसका मास क्या है, उसका मास है 82.02 ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन दिखा, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को जेईई मेंस में क्वेश्चन देंगे, या तो अच्छे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो यही क्वेश्चंस, या तो नीट में जो फिजिक्स में क्वेश्चंस रहेगा यही क्वेश्चंस रहेगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखो क्वेश्चंस को सबसे पहले समझना है कि ये क्वेश्चंस फिक्स दिया है, फिर वेट मैंने लगाया, फिर वेट हो गया। तो सिंपल बात क्या है, ये वेट हमारा किसके साथ इक्वल होगा, जो इस साइड में अप्लाइंग फोर्स हो रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्योंकि इस साइड में भी हो रहा है तो उस साइड में भी सेम देंगे। तो कितना फोर्स अप्लाई होंगे, क्योंकि एक टी तो इसके लिए दे रहा है, एक इधर से, तो 2t cos theta। अब 2t cos theta इक्वल टू वेट आ गया तो हमको टी क्या है। तो आज का क्लास हम लोग यही खत्म करेंगे, और क्लास खत्म करने से पहले क्या है हमारा मोटिवेशनल पॉइंट, बी सो गुड दे कैन नॉट इग्नोर यू, कि बोला है इतने अच्छे हो कि किसी ने आपको इग्नोर ही ना कर पाए। देखना कभी कभी आप लोगों को फ्रेंड भी होता है जब आप कोई काम करते हो या तो काम नहीं करते हो, फिर आपको इग्नोर करने लगता है। लेकिन आपको बात यह है, आपको पता चले आपको इग्नोर कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप फिर से उससे बात करो, फिर से उससे करो। अब देखो ना, आप उसके साथ अगर अच्छे से बिहेव करोगे तो जितने ही अच्छे बेकार बंदे होना क्यों, जितने ही बुरे बंदे होना क्यों, आपके साथ भी उसको अच्छा बिहेव करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है फिलोसफी है, ये हमारा स्टैटिस्टिक्स है। आप देखो ये इसलिए कहते हैं कि कोई भी एनिमी है उसके एनिमी के साथ आपको एनिमी बिहेव नहीं करना है, उसके साथ फ्रेंडशिप बिहेव करना है। जब हमने फ्रेंडशिप बिहेव करोगे उसने भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बात यह है याद रखना। तो आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को क्लास को क्या करना है, लाइक करना है, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत से रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप लोगों को वीडियो दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लोगों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चैनल में नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर देना, उसके बाद व्हाट्सएप टेलीग्राम ट्विटर इंस्टाग्राम फेसबुक जहां भी आपको मौका मिले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है, आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय।